एक तो मैं पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा इतनी अच्छी कैंपेन शुरू की है, और मुझे समझ नहीं थी कि हम लोग को इस 10-15 साल पहले क्यों नहीं सूझा, जब मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी और मैं भी बहुत यंग थी, और अगर मुझे कोई ताड़ता था तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाती थी, पीछे हट जाती थी, आई डिडंट नो हाउ टू आंसर बैक और हाउ टू लुक बैक इवन, एंड इट डिड इम्पैक्ट ऑन मेरा, मुझे इम्पैक्ट करता था इस तरह की चीज़ें बाज़ारों में. मैं मानती हूँ कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेती थी, लेकिन आम शाम होटल्स रेस्टोरेंट्स हर जगह ये होता है और अभी तक होता है. अब मेरी बेटी इतनी बड़ी है, मैं फील करती हूँ उसके लिए ही, मुझे खुद के लिए तो नहीं हो सका, लेकिन अब मैं अपने लिए, उसके लिए, ऐसी और बच्चियाँ जो हैं उन सब के लिए हम कुछ कर सकते हो, तो मैं इसको फुली एंडोर्स करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपका पार्ट बनूँ और मैं किसी तरह से आपको हेल्प करूँ उसमें. तो ये माइंडसेट जो है ये सोसाइटी का है और इसको चेंज होने की ज़रूरत है. जहाँ तक हमारा कल्चर, मैं देखा है कि हम लोग कोई बहुत वल्गरली ड्रेसअप नहीं होते, अभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, तो इन चीज़ों को मेरा ख्याल है थोड़ा सा अब सबको चेंज होना पड़ेगा, माइंडसेट. और माइंडसेट चेंज ही हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है इसमें कि ये, और एजुकेशन से मेरा कोई वो नहीं मतलब है, ये वाली एजुकेशन जो फॉर्मल एजुकेशन है, बट एजुकेशन अबाउट अ पर्सन्स ओन वेल बीइंग एंड अबाउट द बॉडीज एंड बीइंग फीलिंग गुड अबाउट इट. तो आप समझती हैं ऐसी कैंपेन्स जो हैं रवैयों को तब्दील करने में मदद दे सकती हैं? बहुत बहुत. यू नो, अगर आप ये, आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ बहुत, मे बी अ फ्यू नंबर्स, हैंडफुल हैव टोल्ड यू कि हम ये करते थे और हमें पता नहीं था, बिकॉज इट इज़ सच एन एक्सेप्टेबल थिंग. और इससे दूसरी औरत पे जो इम्पैक्ट हो रहा है या सामने वाली जो देख रही है, उनको इसका एहसास नहीं है. ये इनसेंसिटिविटी जो है वो प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में. तो ये एडमिशन ही सिर्फ, आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, एंड इफ दिस इज हैपनिंग देयर इज होप कि थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा माहौल. मैं इसको ताऊं, उसको ताऊं, सबको ताऊं, इसकी ताऊं.